Assalamualaikum students, welcome to the online video lecture series of artificial intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lectures. So हम पिछले कुछ lectures में हम machine learning के कुछ concepts की बात कर रहे हैं. So in our previous lecture we talked about the some basic concept of probability and we derived the expression for Bayes rule. हमने Bayes rule expression को derive किया था. In this video lecture I will discuss the Bayesian belief network. So before going into the detail of this network, I would like to discuss some more concept of probability. So the product rule, as we discussed in our previous lecture, that the probability of A and B mean ke x and y is equal to probability of x given y into probability of y. This is the product rule. But if the x and y are independent events, so यहाँ पे independent events की बात की गई. मतलब क्या है कि for example if x is represents the मेरे पास जो है वो x represent करता है एक coin को, y represent करता है दूसरी coin को. अब पहले coin के ऊपर head आए या tail आए, दूसरी coin के ऊपर head या tail आए, इसका आपस में कोई dependencies नहीं है. ये अलहदा से एक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और वाई उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि यहाँ पे अगर हेड आ जाएगा तो टेल आ जाएगी, टेल आ जाएगा तो हेड आ जाएगी, इस तरह को कोई सीन नहीं है. बोथ आर इंडिपेंडेंट. सो इफ़ एक्स एंड वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन दिस प्रोडक्ट रूल विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. मीन कि अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट आता है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो जो है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो गिवन चीज़ होती है, बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. सो इन द सेम वे जस्ट लुक एट दिस पॉइंट दैट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. हमने इसको इसके फार्मूला को भी देखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. अब जब बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, देन अब ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा, वहाँ पर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, उसके हमारे पास ये मार्जिनल के ही इक्वल आ जाएगी. तो इस तरह से ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास यूज़ होंगे, कि अगर ये डिपेंडेंट है तो यही रहेगा, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कंडीशनल की एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी. इसी तरह से जॉइंट की ये एक्सप्रेशन वो भी चेंज हो जाएगी हमारे पास. सो जस्ट लुक एट दिस स्लाइड, द बेजियन बिलीफ नेटवर्क. बेजियन बिलीफ नेटवर्क इज़ एन ए साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ. मीन दिस इज़ अ ग्राफ एंड और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ए साइक्लिक है, मतलब उसके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता होगा. डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि उस जो भी ग्राफ होगा उसके एरोज लगे होंगे. फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट दिस ग्राफ. सो ए साइक्लिक, देर इज़ नो साइकिल. मीन कि ये बी से स्टार्ट होकर डी के ऊपर जाता है और ये इसी तरह से वापस नहीं आ रहा, बिल्कुल साइकिल नहीं है इसके अंदर. इन द सेम वे दिस इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ. मीन कि यहाँ पे देखें एरो लगे हुए हैं, ये डायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास. सो हम इसकी एक और मज़ीद एग्जांपल है, वहाँ पे भी इसको देख लेंगे. वेयर द नोड्स इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एविडेंसेस आर हाइपोथेसिस एंड वेयर एन आर्क. मीन यहाँ पे आप नोड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, नोड रिप्रेजेंट करती हैं हाइपोथेसिस को या फिर एविडेंसिस को. एंड द आर्क दैट कनेक्ट the two nodes represent the dependence between those two nodes. मतलब mean के if A is connected to C तो यहाँ पर dependency show हो रही है कि अगर A होगा तो C होगा, otherwise C नहीं होगा. mean के यहाँ पर if else की condition देख लें कि if A then C, जो वही हम if else के if then का rule जो था उसको भी हम एक line के साथ करते थे, यहाँ पर भी if then का ही आप समझ लें कि if this is true then this will occur. तो यहाँ पर हमारे पास अगेन बेजियन बिलीफ नेटवर्क इज अ ए साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ वेयर द नोड रिप्रेजेंट्स द एविडेंसेज आर हाइपोथेसिस एंड आर्क रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसीज बिटवीन दोज टू नोड्स. सो यहाँ पे देखें ए बी आर एविडेंसेज एंड थ्री हाइपोथेसिस सी डी ई, ये हाइपोथेसिस हैं. आर्क बिटवीन दीज नोड्स रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाइपोथेसिस. तो यहाँ पे ये तीनों डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, ए एंड बी के, लेकिन बी और ए आपस में डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं. सो सेकंड थिंग इज द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद दीज नोड्स. सो यहाँ पे देखें इनकी प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास इसकी एसोसिएटेड होंगी हर नोड के साथ.
So the probability of A is equal to 0.1 and the probability of B is equal to 0.7. So these two events are independent और इनकी probability मेरे पास ये है for example. So the probability of C given A mean कि यहाँ पर अगर A होगा again ये arc जो है वो represent करती है dependency को. If A then C, if A and B then D. इसी तरह से अगर E है तो ये हमारे पास जो है वो E होगा. तो यहाँ पे dependencies हैं. अब अगर A हमारे पास नहीं होता तो C की क्या probability है, और अगर C हो A होता है तो C की क्या probability है. मीन कि अब ये दोनों conditions इसकी आ जाएंगी कि C के लिए क्या आ जाएगा, A है तो इसके होने की क्या probability है, A नहीं है तो इसके क्या होने की probability है, because C is dependent on A. So for example C is dependent on A. So given A, if मेरे पास जो है वो A की value आ जाती, given के A अक्कर हो चुका है तो C के होने की क्या probability, वो ये है. If what is the probability of C, अगर मेरे पास A जो है वो अक्कर नहीं होता, मतलब negation of A नहीं होता A, then C के होने की क्या probability, वो ये है. In the same way for D, अब देखें कि D के लिए मेरे पास क्या condition है, D is dependent, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी मेरे पास क्या है, डी की बी के ऊपर भी है और ए के ऊपर भी है. अब ये दोनों हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते, तो यहाँ पे चार कंडीशंस इसकी बन जाएंगी. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इफ ए एंड बी बोथ आर ट्रू, तो यहाँ पे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. इफ़ जो है वो डी की क्या प्रोबेबिलिटी है, इफ़ ए ट्रू है और बी जो है वो फॉल्स है. इन द सेम वे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन कि ए नहीं होता है, मतलब ए फॉल्स है और एंड बी इज़ ट्रू. और यहाँ पे देखें इसके चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गए और उनके दरमियान में ये है उसके साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है. अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है ए और बी के ऊपर, बिकॉज ए एंड बी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर नोड. तो यहाँ पे C जो है वो डिपेंडेंट है जस्ट A के ऊपर, तो यहाँ पे A ही है. अब D दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है तो लिहाजा दोनों के ही कॉम्बिनेशन उसने यहाँ पे लिख दिए. इन द सेम वे B इज ओनली डिपेंडेंट ऑन E इज ओनली डिपेंडेंट ऑन B. तो यहाँ पे देखें अगेन एक E के लिए भी सिर्फ एक यानी कि B का होना या ना होना है, बाकी और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है. सो ऑल ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज आर एसोसिएटेड विद नोड्स कि ये होती हैं तो क्या होता है, ये इस तरह से हमें नोड अवेलेबल हैं. सो इन द सेम वे आई कैन रिप्रेजेंट दिस प्रोबेबिलिटीज इन दिस फॉर्म, इन ट्रुथ टेबल फॉर्म, कि ए बी मेरे पास है, ए ट्रू है, बी है, बी ट्रू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो यहाँ पे देखें कि डी के चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्रुथ टेबल के अंदर आ गए. इन द सेम वे फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये सारे के सारे मैंने इसको ट्रुथ टेबल के अंदर लिख दिया. So now I will calculate the probability by using the Bayesian belief network. A joint probability can be calculated from Bayesian belief network using the definition of conditional probability. So just look at this, okay, probability of A given B is equal to probability of A and B. So A and B, agar maine calculate joint probability calculate karni hai, तो this is equal to this expression. But मैंने कहा था again कि हमने पहले भी देखा कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो यहाँ पे देखें इन दोनों की इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी बी, ए एंड बी की जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है ना वो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 0.07. तो ये मेरे पास ये क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी है. इन द सेम वे जस्ट लुक एट दिस स्लाइड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी डी ई यानी कि इन सब की ट्रू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पे जितनी भी नोड्स हैं यहाँ पे देखें कि ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो एंड डी भी हो, पांचों के पांचों ट्रू केसेस हो जाएं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस वे. तो यहाँ पे देखें मैंने इसको ई को इस तरह से लिखा, उसको गिवन दैट ये सारी चीज़ें हैं तो ई का क्या आएगा, और यहाँ पे बाकी जो ये वाली चार चीज़ें हैं उसको इस तरह से लिख दिया. इन द सेम वे इसको भी अगर एक्सपेंड करने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी सी, यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड की जा रही है, नीचे वाले से, यानी कि पहले ई की फाइंड करें फिर डी की फिर सी की. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे से आपको गिवन कंडीशन ये वाली होंगी तो फिर ये नीचे वाली इस तरह से आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे देखें इसको मज़ीद एक्सपेंड किया
इस तरह से ई डी सी बी ए यहाँ पे इस तरह से कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ई इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ए सी एंड डी, मेरे पास यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, दैट्स वाई आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी, यानी कि वो वही बात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो हमारी हो रही थी कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इफ ए बी आर इंडिपेंडेंट सो आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। सो इन द सेम वे मैं यहाँ पे जितनी जितनी भी डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे लिख दूंगा, जिनकी डिपेंडेंसी नहीं है उसको मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। देन आई विल पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, ऑल दीज वैल्यू फॉर दीज एक्सप्रेशंस फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल में से मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से मैं जो भी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कैलकुलेट होके आती है मैं इसके अंदर वैल्यू के अंदर जो है वो पुट करके उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो जब मैंने कैलकुलेट किया तो जस्ट लुक एट दिस आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए एंड बी, सो आई विल गेट ऑल ऑफ दिस वैल्यू फ्रॉम माय टेबल और इस तरह से इसके अंदर मैंने पुट किए विच इज़ इक्वल टू 0.0014। सो इन सब के ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये आती है। सो आई कैन यूज़ दिस बेजियन बिलीफ नेटवर्क टू कैलकुलेट एनी कॉम्बिनेशन कि ये चीज़ होती है या चीज़ नहीं होती तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो उस नेटवर्क को यूज़ करते हुए मैं किसी भी चीज़ के चांसेस अकर होने के चांसेस को मैं यूज़ कर सकता हूँ। देन मैं उसके ऊपर क्या कर लूँगा, कोई मैं डिसीजन मेकिंग अप्लाई करूँगा, कोई इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता हूँ वहाँ से जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी आती है। सो जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन, मैंने अभी जो है ना वो इस तरह से इसको लिखा कि नीचे से पहले ये प्रोबेबिलिटी फाइंड की और बाकी ऊपर वाली को गिवन कंडीशन के अंदर लिख दिया। सो इफ़ आई राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म, मीन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई डी ई बी सी डी, इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ई सी डी यहाँ पे ये इस तरह से लिख दिया, तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ए इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस एक्सप्रेशन। इन द सेम वे बी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस एक्सप्रेशन, बल्कि क्या है, दिस इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, ई इज़ डिपेंडेंट ऑन बी, के बी पहले होगा तो फिर क्या है ए की आती है। सो यहाँ पे इसको ये एक्सप्रेशन जो है वो मेरी इस तरह से नहीं लिख सकता, बल्कि जो मेरी करेक्ट एक्सप्रेशन है वो ये वाली है। सो ये एक्सप्रेशन किस तरह से बना सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग दी बेजियन बिलीफ नेटवर्क, और ये वाली जो नेटवर्क हमने बनाया था इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपनी प्रोबेबिलिटी को सही तरह से लिखेंगे कि आया कि वो बनती भी है या नहीं उसकी डिपेंडेंसी, अगर नहीं बनती तो हम उसको नहीं लिखेंगे। नाउ आई विल सॉल्व अनदर एग्जांपल द बेजियन बिलीफ नेटवर्क इन विच सी रिप्रेजेंट दैट यू विल गो टू कॉलेज, एस रिप्रेजेंट दैट यू विल स्टडी, पी रिप्रेजेंट दैट यू विल पार्टी, सो आप पार्टी करेंगे आप, देन ई रिप्रेजेंट दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एग्ज़ाम, ई एफ इज इक्वल टू दैट यू विल हैव फन। सो इसका नेटवर्क देख लेते हैं पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्या है, दैट यू विल गो टू कॉलेज, तो अगर वो कॉलेज जाता है दैट यू विल स्टडी, इफ ये कॉलेज जाता है तो वो स्टडी करेगा, देन इफ़ ये गोल हमारे पास जो है वो गो टू कॉलेज, पी क्या है दैट यू विल पार्टी, के अब यहाँ पे देखें हम इस तरह से ये सारी चीज़ें लिख दी, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉलेज नहीं जाए और पार्टी करे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टी करेगा और वो कॉलेज जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टी नहीं करेगा और वो कॉलेज जाएगा, तो इस तरह से मल्टीपल हमारे पास जो है ना वो हम चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं इस छोटे से ग्राफ से। द सेम वे यहाँ पे देखें, अब ये इस तरह से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं और ये नोड हमारे पास ई क्या है, अब देखें यहाँ ई का क्या है, दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एग्ज़ाम, कि वो क्या करता है, कॉलेज जाता है, पार्टी अटेंड करता है, और यहाँ पे वो एस क्या है, स्टडी भी करता है, उसके बाद फिर यहाँ पे वो सक्सेसफुल भी होगा एग्ज़ाम के अंदर। अब दैट यू विल हैव फन, सो जब पार्टी होती है तो वो क्या करता है, वो हैव फन, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये नोड ये बन जाती है। सो द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद दिस नोड, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 0.2। सो यहाँ पे इफ सी, मेरे पास सी की अब एस की प्रोबेबिलिटी कब क्या कैसे कैलकुलेट होंगे कि सी का होना या ना होना,
उससे एस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. इफ़ सी इज़ ट्रू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विल बी इक्वल टू 0.8 एंड सी इज़ फॉल्स. इफ सी इज़ फॉल्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विल बी इक्वल टू 0.2. और इसी तरह से सी का अगर गिवन है तो पी के ऊपर क्या उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, अगर ट्रू है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, फॉल्स है तो क्या प्रोबेबिलिटी है. इन द सेम वे सो जस्ट लुक एट दिस पॉइंट दैट ई इज़ डिपेंडेंट ऑन एस एंड पी. अब ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके सारे कॉम्बिनेशन जिस तरह से हमने पहले किए थे उस तरह सारे कॉम्बिनेशन बना के और इसके साथ एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसको लिख दिया. इन द सेम वे फॉर दिस नोड एफ, तो यहाँ पे पी ट्रू होता है या फॉल्स होता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है. सो यहाँ पे अभी मैंने एक बात की कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है हमारे पास जो है वो एक फ़न करेगा या पार्टी करेगा और वो कॉलेज ना जाए. अब कॉलेज ना जाने की प्रोबेबिलिटी तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के वो कॉलेज चला गया है, जाता है, जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये है कि लेकिन ना जाने की प्रोबेबिलिटी तो हमें गिवन ही नहीं है इस टेबल के अंदर. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द निगेशन ऑफ सी, कि मैं मीन के वो ये एक्सप्रेशन अगर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट यू विल हैव पार्टी, यू विल दैट यू विल हैव अ पार्टी इफ कब गिवन दैट के आप कॉलेज नहीं गए, कॉलेज नहीं जाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी. तो यहाँ पे देखें इसका निगेशन किस तरह से, आप इस तरह से सिंपली ले सकते हैं कि मेरे पास इसका इसको माइनस साइन करेंगे, मीन कि ये वाली एक्सप्रेशन आप किसी भी चीज़ की निगेशन को अगर आपने कैलकुलेट करना है, दैट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन सी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. सो दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन सी. इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इन द सेम वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन पी, इनके एफ गिवन पी, ये हमारे पास क्या है, एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन पी, मीन के पी इज़ ट्रू, अगर ट्रू है तो ये हमारे पास पॉइंट ये आता है. और वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन निगेशन ऑफ पी, सो क्या एक्सप्रेशन होगी उसकी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 0.7 हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सो जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल एंड प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद नोड्स. हमारे पास एक ग्राफ भी मौजूद है, ये वाला ग्राफ है, ये वाली हमारे पास एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है, और इसी तरह से हम नेगेशन अगर कोई कैलकुलेट करनी वो इस तरह से भी कर सकते हैं. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन दैट सी इज इक्वल टू ट्रू, एस इज इक्वल टू ट्रू, पी इज इक्वल टू फॉल्स, ई इज इक्वल टू ट्रू, एफ इज इक्वल टू फॉल्स. तो यहाँ पे हम कोई भी कंक्लूजन निकालना हो तो वो किस तरह से प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इस एक्सप्रेशन के लिए क्या वैल्यू आती है, क्या आंसर इसका आता है, वो आप कैलकुलेट करें. सो जस्ट लुक एट दिस point, the probability of C and S and negation of P and E and probability of negation and negation of F, what will be the probability for this expression, isko aap calculate karein. So just look at this answer, is expression ka answer kya hoga. So this expression will be equal to probability of C, probability of S given C, probability of पी, यहाँ पे देखें कि क्या करें, सी लिखें और उसको जो सी के ऊपर डिपेंडेंट है वो लिख दें, कंडीशन लिख दें गिवन. एस इज़ डिपेंडेंट ऑन सी, सो दैट्स व्हाई आई राइट इन दिस फॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन पी, निगेशन ऑफ पी, पी इज़ डिपेंडेंट ऑन सी, दैट्स व्हाई आई राइट गिवन सी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, देन ई किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर. अब यहाँ पे देखें, मैंने निगेशन पी यहाँ पे गिवन लिखा, मैंने निगेशन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एस एंड पी नहीं लिखा, निगेशन पी लिखा. क्यों लिखा हूँ यहाँ, लिखा मैंने यहाँ पे निगेशन पी, बिकॉज यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास है ही निगेशन वाली, तो दैट्स वाई आई विल यूज़ द निगेशन पी. कभी भी यहाँ पे ट्रू वाली चीज़ को मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है. इन द सेम वे फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन एफ, दिस विल बी यहाँ पे किस तरह से लिखूँगा कि एफ जो है वो पी के ऊपर डिपेंडेंट है, और यहाँ पे निगेशन पी लिखूँगा. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करवाई, दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन निगेशन ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन निगेशन ऑफ पी, दैट इज इक्वल टू 0.7. सो अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन एफ गिवन निगेशन पी, तो इसकी क्या हमारे पास आंसर आएगा. तो ये देखें कि बिल्कुल ये उसी तरह से ये 0.7 है,
तो 1 में से 0.7 इसको माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन सी इस तरह से हमने किया था। तो ये देखें 0.3 यहाँ पे लिखा हुआ है। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन, इसके लिए भी निगेशन की आप प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि निगेशन पी तो आपको गिवन ही नहीं है। सो बाय कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज़ तो ये इसका आंसर हमारे पास आता है। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आप इस एक्सप्रेशन की कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अगर डिटेल आपने देखनी हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल गो टू कॉलेज एंड दैट यू विल स्टडी एंड यू विल नॉट पार्टी, तो यहाँ पे आप पार्टी नहीं करेंगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एग्ज़ाम एंड यू विल नॉट हैव फन। सो यहाँ पे देखें अगर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये हमारे पास ये इस चीज़ की आती है। इस तरह से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे देखें ये एक्सप्रेशन भी है दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गो टू कॉलेज दैट यू विल स्टडी दैट यू विल पार्टी दैन दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एग्ज़ाम एंड दैट यू विल हैव फन, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। तो इन द सेम वे फॉर दिस एक्सप्रेशन क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल गो टू कॉलेज दैट यू विल स्टडी दैट यू विल नॉट हैव पार्टी दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एग्ज़ाम एंड यू विल हैव फन, तो इसकी ये वाली हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो अब बाय यूजिंग द बेजियन बिलीफ नेटवर्क दैट इज़ एसोसिएटेड द नोड्स आर एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटीज़ यू कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कॉम्बिनेशन। आप किसी भी चीज़ की उसकी रीजनिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो इतने छोटे से ग्राफ को यूज़ करते हुए आप कितनी ही ज़्यादा आप रीजनिंग अप्लाई कर सकते हैं कि ये चीज़ अगर होती है गिवन दैट ये चीज़ होती है तो ये चीज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस तरह के मल्टीपल आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कंक्लूजन उसमें से निकाल सकते हैं, उसमें से प्रोबेबिलिटी आप अप्लाई करके आप कंक्लूजन निकाल के कोई आप यूज़फुल काम उसमें से कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड मी एन ईमेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।